आज हम एक नई ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या कंटेंट अवेलेबल हैं, किस तरीके से हम उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो आज का जो कंटेंट है होगा वो है कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव्स के ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्लिक्स OER भी कहते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि स्क्रीन पे कि उसका जो URL है वो है clicsoer.tis.edu। इस URL पे आपको कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव के ओपन सोर्सेज रिसोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे। इस रिसोर्सेज को टाटा सामाजिक संस्थान मुंबई ने क्रिएट किया है, बहुत सारे वेरियस ऑर्गेनाइजेशन के कोलैबोरेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे क्या क्या अवेलेबल है और कैसे हम अपने बच्चों के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं, हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हिंदी में कंटेंट चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो आपका स्क्रीन है उसको स्क्रीन के राइट साइड में हिंदी करके एक एरो का साइन है, उससे आप अपने कंटेंट की जो भाषा है उसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में कंटेंट डाउनलोड करना है तो उसको इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी में अगर कंटेंट डाउनलोड करना है तो आप हिंदी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, तो फिलहाल हम टैब के बारे में बात करेंगे और इस रिसोर्सेस में क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको बताया कि आप अपना सब्जेक्ट पहले लैंग्वेज पहले आप सिलेक्ट कर लें, तो फिलहाल के लिए मैं इंग्लिश चयन कर रहा हूँ। जैसे हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जब ई लाइब्रेरी में जाएंगे तो हमको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे जो हम डायरेक्टली क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे TIS-Cool करके एक टैब है, ये कनेक्टेड लर्निंग इनिशिएटिव के जो कोविड के दौरान बहुत सारे कंटेंट उन्होंने क्रिएट किया है ये उस पर है, ताकि रिमोटली बच्चे और टीचर एंगेजमेंट कैसे हम विषय के साथ एंगेज कर पाएं उसके ऊपर बहुत सारे कंटेंट और बहुत सारे टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट के सेगमेंट हैं। कूल OER, उस दौरान हम बच्चों के लिए बहुत सारे कंटेंट हमने क्रिएट किया था उस पर है। डोमेन, जैसे मैंने बताया कि इस क्लिक्स OER में आपको मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और डिजिटल लिटरेसी, ये चार विषय का कंटेंट आपको मिलेगा। अबाउट में आपको इस प्रोजेक्ट का, इस रिसोर्सेज के किन ने बनाया है, किस लिए बनाया है, कौन से ग्रेड के लिए बनाया है, उसके ऊपर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। उसके बाद हेल्प, हेल्प में अगर आपको इंस्टॉलेशन में या इस रिसोर्स को इस्तेमाल करने में जो भी आपको सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको हेल्प में मिल जाएगा। अभी हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में देखते हैं कि लेफ्ट साइड में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे पहला लिखा है सब्जेक्ट्स, उसके बाद है मॉड्यूल 13, इंटरैक्टिव 21 और हैंडबुक 18। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो कंटेंट है ई लाइब्रेरी के नीचे जो लिखा है सब्जेक्ट्स, ये मैं आपको बताया था कि इसमें चार प्रकार के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे। पहला है इंग्लिश, उसके बाद है मैथमेटिक्स, उसके बाद है साइंस और चौथा है आपका डिजिटल लिटरेसी। उसके बाद जो लिखा है मॉड्यूल 13, इसका मतलब ये है कि ये जो चारों विषय मैंने आपको बताया उसके ऊपर 13 मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे इंग्लिश में 2 मॉड्यूल है, मैथमेटिक्स में 4 मॉड्यूल है, साइंस में 6 मॉड्यूल है और डिजिटल लिटरेसी में 1 मॉड्यूल है। उसके बाद हमको यहाँ पे लिखा है इंटरैक्टिव 21। इंटरैक्टिव का मतलब होता है बहुत सारे गेमिफिकेशंस, बहुत सारे सिमुलेशंस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आपको अवेलेबल होंगे। आप डायरेक्टली इंटरैक्टिव्स में जाके उस पर्टिकुलर एक्टिविटी या उस पर्टिकुलर जो ऑफरिंग है आप उसके साथ बच्चे जो है उसके साथ अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। चौथा जो है आपका हैंडबुक 18। जितने भी यहाँ पे मॉड्यूल हैं उनके रेस्पेक्टिव जो हैंडबुक्स हैं, बच्चों का हैंडबुक्स और टीचर्स के हैंडबुक, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में, आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम फिलहाल देखते हैं कि हर विषय को एक्सेस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इंग्लिश को सिलेक्ट किया है और आप 2 इंग्लिश के मॉड्यूल यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके स्क्रीन के सामने, एक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश 1, एक है कम्युनिकेटिव इंग्लिश 2।
ये जो दो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जो मॉड्यूल हैं उसको एक्सेस करने के लिए आप नीचे थोड़ा सा उस मॉड्यूल के कार्ड के नीचे देख सकते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे लोगो अवेलेबल हैं। जो पहला है जो रॉकेट की तरह थोड़ा सा दिख रहा है उसका मतलब होता है एक्सप्लोर। आप इस मॉड्यूल को ऑनलाइन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप उस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि जैसे आप जो रॉकेट बना हुआ है उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो कम्युनिकेटिव इंग्लिश के जो भी मॉड्यूल आप देखना चाहते हैं उसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हैं। जो दूसरा आप लोगो देख रहे होंगे वो है डाउनलोड। इस पर्टिकुलर इस जो सेपरेट मॉड्यूल है आप इसको इंडिविजुअली भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तीसरा जो अगर आप डाउनलोड के बाद अगर आप देखेंगे तीसरा जो है वो है हेल्प वीडियोस। इस मॉड्यूल को इस्तेमाल करने के लिए क्या क्या हेल्प की जरूरत पड़ेगा, जो भी अवेलेबल वीडियोस होंगे या रिसोर्सेस होंगी आप उसको आप वहाँ पे देख पाएंगे। उसके बाद चौथा जो है शेयरिंग का एक छोटा सा बटन होगा आप देखें तो शेयरिंग है। आप इसको अगर दूसरे साथियों के साथ या टीचर्स या बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। चौथा जो आप आइटम देख पा रहे होंगे जो थोड़ा सा एक छोटा सा आई टाइप का बना हुआ है, इसका मतलब होता है कि प्रीव्यू द मॉड्यूल कंटेंट। प्रीव्यू द मॉड्यूल कंटेंट का मतलब होता है कि इस कंटेंट के अंदर क्या है, इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, अगर उसको अगर हम ब्रीफली अगर आपको जानना है तो लास्ट जो आइकॉन है अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरा डिटेल जो है उस मॉड्यूल के बारे में जान सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उस मॉड्यूल के अंदर क्या है। जैसे मैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश लेवल 1 पे क्लिक किया और हम ये देखना चाहते हैं कि इस कंटेंट के अंदर क्या है, तो इस तरीके से आप देख पाएंगे कि लेसन्स क्या हैं, इंटरेक्टिव क्या है, एक्टिविटीज इस मॉड्यूल में कितने सारे एक्टिविटीज हैं तो ये आप देख सकते हैं, और अपने इसको इस्तेमाल करने के लिए अपने क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इस्तेमाल करने के लिए अपने टाइम टेबल को भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिमिलरली आपको मैथ्स साइंस डिजिटल लिटरेसी इन सब में आपको सिमिलर एक्सपीरियंस सिमिलर तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्रिक रीजनिंग, प्रोपोर्शनल रीजनिंग चार मॉड्यूल अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम साइंस के ऊपर देखते हैं कि साइंस में यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। साइंस में हमारा मोशन अवेलेबल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, हेल्थ एंड डिजीज है, इकोसिस्टम अवेलेबल है, और फाइनली हमारे डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी के अंदर जो है आपको बहुत सारे डिफरेंट फ्री ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज का टूल्स किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। टूल्स लाइक जियोजेब्रा, माइंड मैप, इंकस्केप, लिब्रे ऑफिस, ओपन शॉट, जो भी हमारे अवेलेबल ओपन सोर्स टूल्स हैं और एप्लीकेशन है आप इसको मॉड्यूल को यहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी हम सिमुलेशंस को थोड़ा सा चेक करते हैं कि क्या क्या डिफरेंट इंटरेक्टिव्स यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैट सिमुलेशंस भी हैं, स्टार लोगो नोवा भी है, पुलिस स्क्वाड करके एक ज्योमेट्रिक रीजनिंग का एक गेम है वो भी है, मोशन के ऊपर एक रन किटी रन करके एक गेम है वो भी अवेलेबल है। तो 21 डिफरेंट इंटरेक्टिव्स जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फाइनली हम हैंडबुक्स की तरफ देखते हैं। हैंडबुक में भी आप 18 हैंडबुक यहाँ पे अवेलेबल हैं, कुछ बच्चों के लिए है, कुछ टीचर्स के लिए है। तो इस हैंडबुक का इस्तेमाल से आप किस तरीके से रिसोर्स को हम क्लासरूम में या आईसीटी को क्लासरूम में इंटीग्रेट किया जा सकता है उसके बारे में ब्रीफली और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फाइनली मैं एक चीज आपसे ये कहूँगा कि ये जो पूरा रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, ये टोटल साइज जो है लगभग 3 GB के आसपास का है। आप एक साथ सभी रिसोर्सेस को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे डाउनलोड ऑल करके आपकी स्क्रीन में लिखा गया है, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा 3 GB का जो जो भी जितने भी अवेलेबल कंटेंट है सब एक साथ आपके लोकल मशीन पे डाउनलोड हो जाएगा। इस रिसोर्सेज को एक्सपीरियंस करने के लिए, अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए एक लैपटॉप या डेस्कटॉप का इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से कंटेंट को और इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन को समझने में मदद मिलेगा।
मुझे उम्मीद है कि जो हम इस क्लिक्स ओईआर के बारे में आपको एक्सप्लेन किए वो आपको मदद मिलेगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भी कंटेंट हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, उसके लेके आपको फैमिलियर किया जाए। कभी हम इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इस जितने भी विषय हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हर विषय और हर मॉड्यूल के अंदर किस तरीके से हम क्लासरूम में इस कंटेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं।